बढ़ते हैं, तो हमने अभी तक पढ़ा है इंटरनेट और वेब के बारे में। अब देखेंगे कि कोई जो HTTP रिक्वेस्ट है, HTTP का यूज करके कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म क्या होता है HTTP का? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम है और कोई एक वेब सर्वर है, गूगल का ही मान लीजिए सर्वर है, इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो क्या करेगा? पहला एक रिक्वेस्ट करेगा और वो इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा हमारे क्लाइंट के पास, ब्राउजर के पास। जब हम वेब की बात करते हैं तो ब्राउजर यहाँ इन्वॉल्व होता है, ब्राउजर यहाँ इन्वॉल्व होता है। तो जो भी हम HTML, CSS या JavaScript का कोड लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे? वेब ब्राउजर के लिए लिखेंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट सेंड हुई और वहां से रिस्पॉन्स आता है वेब सर्विस के थ्रू, वेब सर्वर के थ्रू, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हमने हेलो गूगल सेंड किया, तो गूगल क्या हमको रिस्पॉन्स करेगा? अगर उसके पास जो भी उससे रिलेटेड फाइल है या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो हमको सेंड करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होना चाहिए। प्रोटोकॉल कौन सा हम यूज करेंगे? HTTP यूज करेंगे। ये प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक इनेबल हो जाते हैं जब भी हम ब्राउजर के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं किसी सर्वर में, तो सर्वर हमको एक URL प्रोवाइड कराता है, जैसे कि google.com हो गया या facebook.com हो गया। तो वो सर्वर हमको एक URL प्रोवाइड करेगा और उस URL के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे उस सर्वर से, ठीक है ना। तो गूगल को हमने मैसेज भेजा, मान लीजिए हेलो गूगल, तो अगर उसके पास वो इंफॉर्मेशन होगी तो वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जैसे अगर गूगल से हम पूछे कि ये कोरोना कब एंड होगा, तो अगर उसके पास अभी तो शायद किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कब एंड होगा, तो वो क्या बोलेगा? एक रिस्पॉन्स कि ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अब वो क्या होता है कि ये जो रिस्पॉन्स है एक पर्टिकुलर कोड या पर्टिकुलर मैसेज वो सेंड करेगा, जरूरी नहीं है कि वो यही सारी आई बोलती है, वो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू वो मैसेज सेंड करेगा। मीन्स जैसे हम चेक कर लेते हैं कि हमने अब ये लर्न जो अपनी वेबसाइट है उसमें अपन ने डैशबोर्ड के लिए कि हमारा जो डैशबोर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन हमको दे दो, तो वो उसके पास इंफॉर्मेशन थी डैशबोर्ड की, तो उसने ये वाला पेज अपने को खोल के ओपन कर दिया ब्राउजर में। लेकिन मान लीजिए हम कोई एक ऐसी चीज इससे सर्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें अबाउट पेज अगर इसमें बना हुआ होगा तो वो हमको प्रोवाइड करेगा कि अबाउट अस वाला पेज हमको दे दो। अब क्या है कि इस सर्वर के पास जो अपनी वेबसाइट है learn.solutionpoint.co.in, इसमें वो वाला पेज है ही नहीं अबाउट अस का पेज, तो वो क्या करता है? एक रिस्पॉन्स दिया कि 404 एरर, वी कैन नॉट फाइंड द पेज यू आर लुकिंग फॉर। ये पेज भी हमको डिजाइन करके और उसमें डालना होता है। मीन्स सर्वर को पता होता है कि हमारे पास कौन सा पेज है और कौन सा पेज नहीं है। तो जब भी हम कोई ऐसे पेज के लिए रिस्पॉन्स करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे जो कि उसके पास नहीं है, तो वो हमको एक एरर मैसेज देगा। हर वेबसाइट के पास लगभग होती है। जैसे मान लीजिए हमने गूगल पे, हालांकि गूगल के पास तो लगभग सारी वेबसाइट सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर भी हम सर्च करते हैं कुछ चीज, जैसे ये सर्च किया और इसको ये नहीं मिला, ठीक है ना। हमने कोई भी ऐसी स्ट्रिंग पास कर दी जो कि गूगल के पास नहीं थी, तो उसने एक मैसेज दिया कि हमको इसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या करता है, सर्वर क्या करता है, पहले चेक करता है कि हमारे पास वो जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो है कि नहीं है, और उससे रिलेटेड फाइल वो हमको सेंड करता है। अब क्या करते हैं हम आगे देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक सर्वर है और ये हमारा ब्राउजर है, ठीक है ना। एक तो ये सर्वर है और एक ब्राउजर है, हमने उससे रिक्वेस्ट की कि
कि हमको एक लाइब्रेरी या फिर कोई एक ऐसी इमेज हमको दे दो, कोई भी इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को पीसेस में कन्वर्ट करता है। मतलब कोई भी हमने रिक्वेस्ट की, मान लीजिए हमने इस वेबसाइट में ये डैशबोर्ड के लिए रिक्वेस्ट की, तो ये क्या करता है कि जो पेज हमको दिख रहा है एक्चुअल में सर्वर से ये इंफॉर्मेशन नहीं आती है, मीन्स जो हमको ये दिख रहा है ये इंफॉर्मेशन हमको सर्वर से नहीं मिलती। सर्वर से मिलता क्या है, सर्वर से हमको मिलता क्या है, तो वो कैसे चेक करेंगे। यहाँ एक जब भी आप ब्राउजर में राइट क्लिक करोगे और यहाँ लिखा होगा व्यू पेज सोर्स, अगर आप इसमें क्लिक करोगे व्यू पेज सोर्स में, तो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो सर्वर से एक्चुअली कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, ये इंफॉर्मेशन आती है। और इसमें कुछ नहीं होता है, HTML होता है, CSS होती है हमारी, और जावा स्क्रिप्ट के कोड होते हैं, मीन्स ये जावा स्क्रिप्ट होता है। सिर्फ तीन चीजें ही ब्राउजर समझता है, ब्राउजर को और कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कोई भी प्रोग्रामिंग आप करोगे इसमें तो, कोई भी प्रोग्रामिंग आप, साउंड सही आ रहा है, तो कोई भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो कोई भी और लैंग्वेज ब्राउजर को समझ में नहीं आती, सिर्फ इसको समझ में आती है क्या, HTML, CSS और JavaScript। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है HTML, CSS और JavaScript का। तो कभी भी किसी भी सर्वर को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन देता है, और वो इंफॉर्मेशन ब्राउजर डिकोड करता है कि उस इंफॉर्मेशन से हम ऐसा जो पेज है ये इस तरह का पेज, या फिर अपनी जो वेबसाइट है ऐसा पेज कैसे बनाएंगे। तो हम ब्राउजर को ये इंस्ट्रक्शन सर्वर से मिलती है और सर्वर हमको ये पेज देता है। मींस मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि सर्वर से हमको जो पेज अपना ब्राउजर पे दिखता है एक्चुअल में, ये इंफॉर्मेशन नहीं आती कि आपको पूरा का पूरा पेज उठा के दे दिया जाता है। उसमें इंफॉर्मेशन क्या आती है, पीसेस के रूप में आती है। मींस जैसे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक बुक सेल्फ है, हमने एक बुक सेल्फ के लिए ऑर्डर किया है, तो क्या करेगा मैन्युफैक्चरर पूरी की पूरी बुक सेल्फ ना देके एक क्या देगा, सामान देगा हमको कि ये आपको ये सामान है और एक ये मैनुअल में दे दे रहा हूं, आप क्या करिए कि इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप बुक सेल्फ बना लीजिए, ठीक है ना। तो क्या करता है, हमने सर्वर पे रिक्वेस्ट की तो उसने क्या किया कि ये लो इंस्ट्रक्शन, ये उसने क्या किया कि ये इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब क्या करता है हमारा ब्राउजर, उस इंस्ट्रक्शन से जो भी वो बिल्ड कर सकता है उसने वो बिल्ड करके दे दिया, ठीक है। अब स्लाइड शो, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गूगल पे मैंने कुछ सर्च किया, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, गूगल के पास जाएगा, गूगल उस हमको क्या देगा, HTML, JS और CSS, HTML, CSS और JavaScript। उसका यूज करके ब्राउजर क्या करता है कि हमको ये पेज बना के देता है। तो हमको सर्वर से क्या मिलता है, HTML का कोड, CSS का कोड और JavaScript का कोड, और हमारा ब्राउजर उसको डिकोड करता है और क्या करता है, हमको इस तरह का पेज बना के देता है। मींस सर्वर से हमको पूरा का पूरा सिर्फ इंस्ट्रक्शन मिलता है, ना कि कोड मिलता है, पूरा पूरा जो पेज है वो नहीं मिलता कि आपको इमेजेस मिलेगी या फिर इसमें लिखा हुआ आएगा, उस आपको मिलेगा क्या, ये इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। और ये ब्राउजर क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और हमको ऐसा पेज बना के देता है, ठीक। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया है HTML, CSS और JavaScript का, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में। मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास जो कंटेंट है उसमें क्या रहेगा, फ्रंट एंड रहेगा और बैक एंड रहेगा। तो अपना जो थर्ड टॉपिक है आज का, थर्ड और लास्ट,
उसमें क्या समझेंगे अब, फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में। ठीक, तो फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड वो है जो ब्राउजर में हमको दिखता है, मींस ये ब्राउजर है, इसमें हमको ये जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है, हमारा फ्रंट एंड है। मींस HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमारा जो ब्राउजर हमको बिल्ड करके हमको शो कर रहा है वो है फ्रंट एंड। और बैक एंड पे क्या हो रहा है, कैसी प्रोग्रामिंग की गई है, वो हमको फ्रंट एंड से समझ में नहीं आएगा। मींस अगर मैं ये वाला पेज आपको मैं समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए गूगल को हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है ना, कि हमको ये पेज दे दो। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि गूगल के पास इंफॉर्मेशन जाती है और वो हमको क्या रिटर्न करता है, सिर्फ HTML, JS और CSS का कोड, और हमारा ब्राउजर क्या करता है, उसको बिल्ड करता है और हमको रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो पेज है वो इस तरह से दिखेगा जो कोड हमको कहाँ से मिला है, सर्वर में। अब सर्वर से अगर कोई गलत कोड आता है तो भी हमको वो शो करेगा ब्राउजर, और कोई सही कोड आता है तो वो भी हमको ब्राउजर शो करेगा। ठीक, तो अगला फ्रंट एंड और बैक एंड को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक, ये फ्रंट एंड एक रेस्टोरेंट है, उसमें क्या होता है कि बैक एंड में जो प्रोसेसिंग है वो होती है जो भी रेस्टोरेंट के फ्रंट एंड में हमको दिखता है उसके लिए। मींस बैक एंड में क्या चल रहा है वो फ्रंट एंड को नहीं पता होता है, सिर्फ फ्रंट बैक एंड से इंफॉर्मेशन आती है फ्रंट एंड के लिए कि फ्रंट एंड में क्या क्या दिखेगा हमको और क्या क्या नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि जैसे मैंने गूगल में सर्च किया कि हे गूगल हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, तो गूगल क्या करता है कि वेट कराएगा कि रुको मैं बताता हूँ क्या होता है, वेबसाइट कैसे बनती है। तो वो पहले सर्च करेगा और चेक करेगा कि बहुत सारी चीजें चेक करता है, जैसे गूगल में हम कुछ सर्च किए तो यूजर वो लॉगिन है कि नहीं है, ठीक है ना, लॉगिन के लिए वो अलग पेज बना के देगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट के जो भी उसको देना है वो भी कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन अगर उसको मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद वो फर्स्ट स्टेप में तो हमने उसको रिक्वेस्ट सेंड करी कि मुझे ये मैंने ये सर्च किया है कि कैसे वेबसाइट बनती है, गूगल मुझे बताओ कि वेबसाइट कैसे बनती है, तो गूगल ने कहा कि रुको मैं बताता हूँ कि कैसे वेबसाइट बनती है। फिर वो सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ से, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन सेव है डिस्प्ले करनी है वो, प्लस उसका बिजनेस लॉजिक कि वो यूजर लॉगिन है कि नहीं है, यूजर की आईपी एड्रेस क्या है, वो कहाँ से सर्च कर रहा है और पहले उससे पहले इस चीज के लिए किसने सर्च किया था। जैसे आप कभी गूगल में सर्च करोगे, google.com में मैं सर्च करता हूँ, वही सर्च करते हैं हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट। अब देखिए गूगल ने क्या किया कि चेक किया कि कौन कौन से पहले भी इसने सर्च कर लिया है, ठीक है ना। अब ये चेक कर रहा है, इसने दिखाया भी कि कौन सा यूजर लॉगिन है पहले से, यहाँ पर मैं पहले से लॉगिन हूं तो यहाँ ये दिखा रहा है कि ये यूजर पहले से लॉगिन भी है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन वो देता है, इसमें से कुछ एडवर्टीजमेंट भी होंगे अगर उसको मिलता है। अब ये देखिए लोकेशन भी देता है कि कहां से ये सर्च किया गया है, एक्सक्यूज मी 2 मिनट रुकेगा। इंफॉर्मेशन वो सेलेक्ट करता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसको देना है यूजर को। मैंने सर्च क्या किया था कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, तो गूगल ने ये सारी इंफॉर्मेशन पहले अपने सर्वर में जो भी उसके पास स्टोर थी वहां से इकट्ठा किया, और वो इकट्ठा करके किस रूप में देता है, HTML, CSS और JavaScript के रूप में। मतलब जो हमको यहाँ दिख रहा है एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन वो नहीं देता है, वो क्या देगा, हम जब यहाँ व्यू पे सर्च करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन हमको गूगल प्रोवाइड कराता है। गूगल इसमें क्या किया है, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS के रूप में हमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ना कि ये हमारा क्या करता है, ब्राउजर
इस इंफॉर्मेशन से ये पूरा पेज बना के हमको देता है। तो HTML, CSS, JavaScript में हम क्या सीखेंगे कि जो ब्रेव ब्राउजर है वो हमारा इंस्ट्रक्शन को जो भी हम HTML, JS और CSS में देते हैं वो कैसे मैनिपुलेट करता है या कैसे उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब क्या है HTML, CSS, JavaScript, ये तीनों में डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। HTML क्या करता है कि एक बॉडी प्रोवाइड करता है हमारे पेज के लिए, है ना। और CSS क्या करता है उसको स्टाइल, मतलब HTML में हमको एक ढांचा मिलेगा हमारे पेज का जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट उसमें दिखाई देंगे वो हमको दिखेगा, और उसमें अगर हमको स्टाइल देनी है या उसका अपीयरेंस हमको देना है कि वो कैसे दिखेगा हमारे पेज में, वो किसके थ्रू दिखाएंगे हम, CSS के थ्रू। और JS से वो एलिमेंट कैसे वर्क करेगा वो हम दिखाएंगे, ठीक है ना। अब एक जो मैं ये इमेज दिखाना चाहता हूं, स्लाइड्स तो एनिमेशन, अब देखिए ये क्या करता है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द ब्लैक कैट डांसिंग, तो इसमें जो CSS का पार्ट हुआ या HTML का पार्ट हुआ या डांसिंग का पार्ट हुआ वो जैसे हम सेंटेंस में वर्क करते हैं, तो इसमें जो कैट हुई वो नाउन हुई, जो ब्लैक है उसका एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता बताता है कि ये क्या है, ब्लैक है ब्राउन है वो कैसा दिख रहा है, और जो एक्टिविटी हो रही है वो कौन अपने को डिसाइड करता है, JS डिफाइन करता है मतलब जावास्क्रिप्ट डिसाइड करता है। तो हम तीनों चीज सीखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो एक बार और समझ लेते हैं कि जैसे कोई एक सेंटेंस लिखा है द ब्लैक कैट इज डांसिंग, तो इसमें क्या हो गया, कैट जो HTML है मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, HTML है, और जो एडजेक्टिव है वो क्या है, CSS है, और जो उसमें क्रिया हो रही है जो वर्ब यूज हो रहा है या जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो हमारा क्या है, JS है, ठीक ना। तो तीनों चीजें हमारे समझ में आ गई हैं कि वो कैसे वर्क करता है। यहां पर मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो स्ट्रक्चर हमारा देगा वो कौन देगा, HTML देगा, CSS से उसका स्टाइल मतलब अपीयरेंस होगा, और कोई फंक्शनैलिटी वो कोई एक्टिविटी होती है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा JS। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में तीनों चीजें कैसे वर्क करती हैं। एक वेबसाइट है codepen.io, इसमें अपन टेस्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट और CSS और HTML को। इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा क्लास के एंड पे, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें तीन चीजें यूज हुई हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक ना। तो अब क्या होता है कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट और CSS को हटा देता हूं, मतलब सिर्फ मैंने क्या किया HTML, तो हमको दिखेगा क्या, देखिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि इसमें कौन कौन से कंटेंट यूज हुए हैं, ठीक है ना। और जब हम CSS इसमें अप्लाई करते हैं तो उसका अपीयरेंस वो कैसे दिखेगा, मींस जैसे देखिए HTML में सिर्फ हमारा कंटेंट दिखा कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट है, अब वो कितना बड़ा रहेगा मतलब ये जो बटन्स रहेंगी वो कितनी बड़ी रहेंगी, प्लस की बटन माइनस की, ये कैलकुलेटर एक बनाया था। तो अभी क्या होगा कि मैंने CSS प्रोवाइड कर दी, लेकिन अभी जो बटन मैं प्रेस करूंगा ना तो वो एक्टिविटी क्या हो रही है इसमें अभी ये डिसाइड नहीं हुई है। तो जब भी हम क्या करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे उसके लिए, तो क्या करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारा जो एक्टिविटी है उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है वो अपने को वहां यूज होंगी। मीन्स अब तीनों चीजें हैं हमारे पास, तो अब ये फंक्शनैलिटी भी इसकी चल रही है। जैसे मैं 2 + + 3 = 5, अब
इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो किसने बनाई है, जावा स्क्रिप्ट ने बनाई है। सीएसएस क्या, अभी देखिए जैसे सीएसएस हटा देता हूं मैं तो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ क्या है, एचटीएमएल है और जावा स्क्रिप्ट है, तो क्या होगा यहाँ पर सारी फंक्शनैलिटी तो चलेगी लेकिन हमारा दिखेगा कुछ नहीं। जैसे फोर, फिर मैंने प्लस पे क्लिक किया और थ्री पे क्लिक किया और इक्वल टू पे क्लिक किया, तो ये इसने मुझे दे दिया, लेकिन क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो कौन डिफाइन करता है, एचटीएमएल डिफाइन करता है, जो उसका अपीयरेंस है वो कौन डिसाइड करता है, सीएसएस डिसाइड करता है, और वो क्या काम करेगा कैसे वर्क करेगा वो डिसाइड कौन करेगा, हमारा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें, ये सारी चीजें हमारी HTML, CSS और JavaScript के लिए यूज होती हैं। तो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि कैसे क्या यूज होता है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे और भी डिटेल में देखेंगे कि ये जो सेंटेक्स लिखे हुए हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना। CSS कैसे वर्क करती है, JavaScript वन बाई वन देखेंगे, HTML की कुछ क्लासेस होंगी 3 से 4, फिर CSS की होंगी, फिर JavaScript की होंगी, जिससे कि हम अपना जो बॉडी है पहले वो डिसाइड कर पाए, उसके बाद हम बैकएंड पे जाएंगे कि वो प्रोसेस कैसे होगा, HTML हमारा सर्वर से उठ के कैसे आता है, वो सारी हम प्रोसेस देखेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, HTML, CSS और JavaScript, ठीक। अगला है आपको कि इस जो ये सीखेंगे हम उसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेब ब्राउजर क्रोम यूज करें, और जो कोडिंग के लिए जो कोड हम लिखेंगे, जैसे आप वर्ड में टाइप करते होंगे तो कोई डॉक्यूमेंट बनाते होंगे तो वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में आप टाइप करते हैं, ऐसे ही जब हम कोड लिखेंगे तो उसके लिए भी सेपरेट एडिटर आते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड आप इंस्टॉल कर लें और ब्राउजर के लिए आप क्रोम इंस्टॉल कर लें, ठीक ना। और भी आप अगर किसी चीज में कंफर्टेबल हैं, जैसे सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर आता है उसमें आप कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इस कोर्स में मैं कौन सा यूज करूंगा, क्रोम ब्राउजर यूज करूंगा और विजुअल स्टूडियो कोड यूज करूंगा। तो ये आप इंस्टॉल कर लें, मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आपको क्रोम में क्रोम इंस्टॉल करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, CH गूगल में आप सर्च करेंगे तो पहली ही लिंक आपको मिल जाएगी कि क्रोम को डाउनलोड कैसे करते हैं। बस इसमें जाएं, यहाँ डाउनलोड क्रोम की बटन होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्रोम ब्राउजर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें क्लिक करेंगे और वो थोड़ी देर में इंस्टॉल, इसमें स्टेप भी दिए हैं कि आप जब जब आपकी फाइल डाउनलोड हो जाए तो आप उसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो आपसे ये परमिशन मांगेगा, उसके बाद इंस्टॉल होगा और आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। सेकंड चीज है कि विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ये सर्च करेंगे, इसके लिए भी आपको फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगी। तो ये दोनों चीजें, अब भी आपका कौन सा सिस्टम है, ठीक है ना, अगर लिनक्स होता है तो लिनक्स के लिए इंस्टॉल कर लेंगे, मैक के लिए मैक है तो मैक कर लेंगे, और अभी मेरे पास विंडोज है तो वहां विंडोज के लिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूं। तो ये 75 MB का सबसे मेरे ख्याल से छोटा और अच्छा एडिटर है, तो आप ये इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद एक सिंपल स्टेप होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ये इंस्टॉल होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पर फाइल, आप कोई भी नई फाइल बनाएंगे तो यहाँ नई फाइल बना सकते हैं, यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज है, या फिर नहीं भी सेलेक्ट करते हैं आप डायरेक्ट लिखना चालू कर देंगे तो भी वो कर लेता है, लेकिन फाइल को आप बता दीजिए कि कौन सी लैंग्वेज है तो उसके लिए वो पहले से तैयार हो जाता है, ठीक ना। आप वो शॉर्टकट भी उसके लिए प्रोवाइड कर देता है, तो कोई भी आपको सिंटेक्स लिखना है
या कोई भी आपको फाइल बनानी है, तो नॉर्मली जो आप बाकी सारे उसमें यूज करते हैं एडिटर में, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो इसमें फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल ओपन करके ये दे देगा, यहाँ आप लिखना चालू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दो चीजें हैं जो आपको कल इंस्टॉल करके रखनी है, और हम स्टार्ट करेंगे HTML और CSS और JavaScript के बारे में। तो कल की क्लास होगी आपकी HTML, CSS और JavaScript के लिए, है ना। तो हम HTML से स्टार्ट करेंगे, HTML के बारे में समझेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक ना, उसके सिंटेक्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, और हमने क्या क्या सीखा इंटरनेट के बारे में, फ्रंट एंड बैक एंड, और HTML कैसे यूज हुआ है और कैसे वर्क करता है, सर्वर से एक्चुअल में हमको क्या इंफॉर्मेशन आती है, कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमने सीखा है। तो कल हम सीखेंगे HTML के बारे में और स्टार्ट करेंगे HTML की कोडिंग या सिंटेक्स उसके जो भी यूज होंगे वो। ठीक है, किसी के पास अगर क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, तो आप अनम्यूट कर लो डायरेक्टली, आप यहीं चैट पे पूछ सकते हो, आप अनम्यूट करके, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो। है कोई? देखो, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो इसका मतलब शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होता भी है तो आप अभी यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम होगी आपको, या आवाज नहीं आ रही होगी, या आप बात नहीं कर पा रहे होगे, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ पर डिस्कशन में स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ टॉपिक आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ आप सब्जेक्ट डालेंगे, जैसे मुझे इंटरनेट के बारे में नहीं समझ में आया तो यहाँ लिखेंगे कि मुझे इंटरनेट के बारे में और बताइए, या फिर मुझे ये समझ में नहीं आया, और उसको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। तो उसमें क्या होगा, एक डिस्कशन स्टार्ट होगा और सब लोग उस पे डिस्कशन कर सकते हैं, और मैं भी उसमें आंसर दे पाऊंगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे आप पिंग कर सकते हो कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, या क्लास के बारे में, पोर्टल के बारे में,